दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री गोपाल राय जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण और हमारे NSS के, NCC के, सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर्स, देखिए दिल्ली के अंदर तो ये इवन और स्कीम है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 20 साल से तो दिल्ली में चल रही, पूरे संसार में 40 साल से चल रही है। बहुत बार इसको लागू करने की बातें हुई, परंतु सभी पार्टियां डर जाती थी कि कैसे करेंगे। हर आदमी कहते हैं एक बार परफेक्ट हो जाए, इसके अंदर कोई कमी ना हो, तब उसको हम करेंगे। अगर आपने स्विमिंग सीखनी है और स्विमिंग सीखने के लिए आप सारे मैनुअल्स पढ़ते रहे, सारी चीजें सीखने और पानी में ना उतरे, कभी नहीं सीख सकते। हमारी सरकार पहली बारी पानी में उतरने जा रही है, देखेंगे पता नहीं क्या क्या होता है, उससे सीखेंगे और आगे के लिए उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे जो 15 दिन का हमारा एक्सपीरियंस होगा। दिल्ली सरकार ने जो हिम्मत की है, शुरू में लोगों को लगता था कि ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, सभी लोग कहते थे ये हो ही नहीं सकता है, पर पिछले 15-20 दिन के अंदर जनमानस बदला है, सबने कहना स्टार्ट किया है कि हाँ ये हो सकता है, होगा भी। और कल मैं टीवी पे सुन रहा था, कल तो ये कह रहे थे कि 15 दिन तो बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद क्या होगा, यानी लोगों ने मान लिया 15 दिन तो बहुत अच्छे रहने वाले, ये ठीक रहेंगे। 15 दिन में अगर इसको अच्छी तरह से हम निभा देते हैं, हम सभी वॉलंटियर्स मिलकर अगर इसको ठीक से लागू करा पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए जीत होगी। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करने के रास्ता हमें मिलेगा, आगे इसको जैसे बढ़ाना होगा उसको बढ़ाएंगे। मैं सभी लोगों से, सभी साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि 15 दिन इस काम को, जैसे गोपाल राय जी ने कहा, रिक्वेस्ट करके लोगों को, हमने कहा बिल जीतना है, गांधी गिरी से मुन्ना भाई MBBS को याद करते हुए सबको फूल देना है और सबसे कहना है कि ऐसा काम ना करें। ये हमारे आने वाले जनरेशन को, आने वाले बच्चों के प्रति हमारा ड्यूटी है कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम किया जाए, और उसको पॉल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह कृतसंकल्प है और हम इसको पूरी तरह से लागू करेंगे। रिक्वेस्ट करके भी, और जैसा कि कहा गया कि कुछ लोग अगर बिल्कुल नहीं मानेंगे, अगर उनका फाइन करना पड़ेगा तो भी करेंगे। और इस चीज़ के लिए मुझे पूरी आशा है कि दिल्ली के अंदर ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा पूरी तरह से।